हेलो एवरीवन। अब मैं शुरू करता हूँ पर्सनल लॉ के अंतर्गत मैरिज। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पर्सनल लॉ के बारे में पढ़ा, पर्सनल लॉ क्या चीज़ें हैं, पर्सनल लॉ में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। और पर्सनल लॉ में जो है हम चार एक्ट को देखते हैं, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, आपका सक्सेशन एक्ट है, मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट है। ठीक है, अब इन चीज़ों में सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं मैरिज। ठीक है, मैरिज का जब कोडिफिकेशन हो गया, मैरिज लॉ का, हिंदू मैरिज लॉ का जब कोडिफिकेशन हो गया, तो बहुत से इससे धार्मिक पक्षों को जो है उस कोडिफिकेशन में स्वीकार किया गया। तो अगर हम ये देखते हैं मैरिज को, अगर हम पढ़ना है तो सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी में मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, किस मैरिज को हम किस रूप में देखते हैं। तो मैरिज को समझने के लिए हम मैरिज को जो है दो भागों में समझते हैं। पहला क्या है, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, रिलीजियस एक्सेप्टेड में, और दूसरा और सेकंड क्या है, लीगल। और अगर हम जब लीगल की बात करेंगे तो द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और सेकंड है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इन दोनों पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एक विवाह के धार्मिक पक्ष को समझते हैं। ठीक है, विवाह को समझने के लिए हमें दो पक्षों को समझना पड़ेगा, एक धार्मिक पक्ष क्या है और एक विधिक पक्ष क्या है। तो धार्मिक पक्ष जो है, अगर हम देखें तो अपने स्मृतियों को देखते हैं। ठीक है, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है, और उसके साथ वेद हैं, और फिर जो है इनको हम, और फिर उसका ब्राह्मण में बहुत से साहित्य आए, पुराण आए, ब्राह्मण साहित्य बहुत से आए। इन तमाम जगह जो है विवाह की व्यवस्था के बारे में जो है वर्णन मिलता है। अगर हम देखें तो प्राचीन काल में जो है विवाह की व्यवस्था का जन्म जो है किस लिए हुआ, एक व्यवस्थित और संगठित समाज के उदय के साथ ही एक विवाह व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, प्रारंभ में मनुष्य की दो खोज, पहला अग्नि और दूसरा ऐसे पशुओं की खोज जो दूध देते थे। मतलब कि जब ऐसे पशुओं की खोज हुई जो दूध देते थे, तब संपत्ति का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, लोग धन की कल्पना करने लगे। तो अब धन की जब कल्पना करते हैं तो धन को संचय करना होता है, धन को जब अपने पास रखना होता है तो उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो जब हम उसको सुरक्षा के लिए, जो हम घूमकर तरीके से इधर से उधर घूमते रहते थे, फिर एक परिवार का कॉन्सेप्ट आया, और जब परिवार का कॉन्सेप्ट आया तो फिर विवाह का कॉन्सेप्ट जन्म लिया। तो कहने का क्या मतलब है कि एक व्यवस्थित समाज में संगठित लोगों को रहने के लिए विवाह व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, तो प्रारंभ में हम क्या देखते हैं कि पुरुषों के लिए जो है महिलाएं उसी समान थी जैसे उनके पशु थे, अर्थात कि महिलाएं जो हैं संपत्ति के समान ही पशुओं के जीवन में महत्व रखती थी। जिस तरीके से अपने तमाम संपत्ति, जमीन जायदाद और पशुओं की संरक्षा करता था, उसी तरीके से पुरुष जो है अपनी महिलाओं की भी सुरक्षा करता था या फिर उनका संचय करता था। तो हम ये देखते हैं, तो जब महिलाओं का अधिकार जो है प्रारंभ में सीमित था, तो उसके बाद जो है जैसे जैसे हम सिविलाइज होते गए तो महिलाओं को उनके अधिकार मिलने लगे। ठीक है, किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे चाहे आप क्रिश्चियन क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म, कहीं भी चले जाओ, तो तमाम जगह हम देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अधिकार जो है विवाह में बहुत ही लिमिटेड है। फिर भी अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो हिंदू मैथोलॉजी में अगर हम बात करते हैं सप्तक ब्राह्मण की, वहां पे पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया। महाभारत के आदि पर्व में अगर हम देखें तो अगर वहां पे ये बताया गया कि जो भी पुरुष जो है अपनी महिला की सेवा करता है, अपनी पत्नी की सेवा करता है, तो लक्ष्मी की सेवा करता है। और रामायण में जो है पुरुष और उसकी पत्नी को जो है, पति पत्नी को जो है मतलब पुरुष को जो पत्नी जो है पुरुष की आत्मा बताई गई, मतलब कि दोनों में आत्मीयता का संबंध बताया गया। तो इन तमाम पहलुओं को अगर हम देखें तो हमको मन में ये आता है कि महिलाओं को प्राप्त अधिकार जो थे वो पुरुषों के बराबर ही थे। फिर उसी काल में हम देखते हैं कि महिला को एक संपत्ति के भांति जो है जुए में पांडव हार जाते हैं। तो ये कह देना कि महिलाओं को अधिकार जो है प्रारंभ से ही पूर्णतः मिले हुए थे, ये उतना उचित नहीं है। ठीक है, बहुत से ऐसे अधिकार हैं जैसे कि बहुविवाह का अधिकार,
जितना पुरुषों को मिला हुआ था महिलाओं के एकाध उदाहरण महाभारत काल में मिलते हैं या फिर किसी आदिम जनजाति में जो आज भी कहीं है जहां पे एक से ज्यादा पुरुषों के साथ महिलाएं शादी कर सकती हैं, ये सब बहुत लिमिटेड है, लेकिन सारे पुरुषों को अधिकार मिला हुआ था कि वो एक से ज्यादा जो है महिलाओं को से शादी कर सकता था। और एक राजा जो है जब दूसरे जगह अटैक करता था तो वहां पे जीत के रूप में वहां के राजकुमारी से या फिर राजा रानियों से शादी कर लेता था उसके पति को मार के। तो टोटल कॉन्सेप्ट जो है एक तरीके से संपत्ति का ही था। जब कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय को हराता था तो वहां की महिलाओं को अपने कब्जे में ले लेता था। तो अब हम ये देखते हैं कि महिलाओं का अधिकार, जब हम विवाह की बात करेंगे तो दो चीजें होंगी, पुरुषों का अधिकार महिलाओं का अधिकार, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कितने हैं, लीगल परिप्रेक्ष्य में कितने हैं। तो कोडिफिकेशन के पहले जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति में जो है महिलाओं के अधिकारों को बहुत सीमित करने का प्रयास किया गया। वहां पे क्या था मनुस्मृति, क्या सही था क्या गलत था, उस पर हम बात नहीं करेंगे। मनुस्मृति एक ऐसी व्यवस्थित किताब है, प्रथम फर्स्ट बुक मानी जाती है लॉ की, जहां पे किसी भी लॉ को व्यवस्थित तरीके से लिखने की शुरुआत हुई। तो जो कानून बना वो उस समय के हिसाब से बना होगा, वहां पे महिलाओं को लेके क्या कॉन्सेप्ट था, तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि मनुस्मृति क्या चीज है। हम ये आपको बताते हैं कि मनुस्मृति में जो अधिकार प्रदान किए गए वो महिलाओं को लिमिटेड अधिकार प्रदान किए गए। जैसे कि मनुस्मृति और नारद स्मृति और विष्णु स्मृति तीनों ये बोलते हैं कि जो पत्नी है, जो पुत्री है, उसका संबंध जो है पुरुष से मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता। अर्थात कि अगर किसी पत्नी का पति मर जाता है तो उसके मरने के बाद भी वो महिला जो है विधवा के रूप में अपनी जिंदगी जब तक जीवित रहती है उसको गुजारना होता है, ठीक है। और फिर इसी स्मृति में, मनुस्मृति में यह वर्णन है कि जब पुरुष जो है महिला से विवाह करता है तो उसको उससे कहता है मेरे वीर पुत्रों की मां बनो, ईश्वर में श्रद्धा रखो, पति के गृह की रानी बनकर रहो, समस्त देवी देवता हमारे हृदय को मिलाकर एक कर दें। अर्थात क्या कहता है कि यहां पे जो है उससे आग्रह करता है पत्नी से, पत्नी को सम्मान देता है कि तुम मेरे वीर पुत्रों की मां बनो, तुम हमारे घर में जो है एक रानी की तरह रहो और ईश्वर में तुम श्रद्धा रखो और देवी देवता हमारे हृदय को एक कर दें, ठीक है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि महिलाओं से, महिला से आग्रह कर रहा है, महिला को बता रहा है, महिला का आगे प्रस्ताव रख रहा है। फिर हम जैसे सात वचन की बात करते हैं, ठीक है, सात वचन में जब पति पत्नी को देता है तो उससे बोलता है कि अगर तुम इन वचनों को स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, ठीक है। तो यहां पर प्रस्ताव कौन रखता है, पुरुष प्रस्ताव रखता है महिला के लिए, ठीक है। और इसी में जो है ऋग्वेद में यह बताया गया है कि एक बार एक श्लोक और मिलता है जिसमें यह कहा गया है मैं तुम्हारा सौभाग्य के लिए तुम्हें ग्रहण करूं, मैं तुम्हें सौभाग्य के लिए ग्रहण करता हूं, तुम अपने पति के वृद्धा अवस्था तक साथ अग्रसर रहो और सृष्टिकर्ता ने, न्याय ने, बुद्धिमान व्यक्तियों ने तुमको जो है मुझे दिया है। मतलब क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारा और तुम्हारा जो मिलन है वो सृष्टिकर्ता की देन है। मतलब क्या है कि जो हम तो शादी परलौकी में तय होती है, शादी किसका कहां होना है ये पहले से तय होता है, तो इसको समर्थन करता है कि हम जो तो आपसे शादी कर रहे हैं इसकी रचना जो है पहले से सृष्टिकर्ता कर चुका है और यही न्याय है और ये बुद्धिमान व्यक्तियों ने तुम्हें मुझे सौंपा है। तो आपका कार्य क्या है कि आप हमारे घर में रहो, रानी बन के रहो और हमारे वृद्धावस्था से हमारी सेवा करो, हमारे पुत्रों को जन्म दो, ठीक है। और ये हम देखते हैं कि विवाह का कांसेप्ट अगर डेवलप हुआ है तो केवल इसके पीछे सबसे मेन उद्देश्य होता है कि पुत्र की मतलब पुत्र को तय करना कि इसके माता पिता कौन है, ठीक है, संतान किसका है, इसको तय करने की जो कल्पना है यही विवाह को जन्म देती है, ठीक है। विवाह का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है कि जो उत्पन्न होने वाला पुत्र है ये किसका है, इसका यही जो धार्मिक परिपेक्ष है इसके पीछे कि विवाह का मेन उद्देश्य है कि ये जन्म ये पता करना कि ये पुत्र किसका है, ठीक है।
उसके बाद फिर हम अब देखते हैं कि सिर्फ धार्मिक पक्ष में ही देखते हैं कि पति और पत्नी दो लोग होते हैं, तो पति को क्या बोला गया, पति को बोला जाता है पति स्वामी भर्ता परमेश्वर। पति मींस क्या हो गया, जो पत्नी की रक्षा करे। स्वामी मींस क्या हो गया, जो पत्नी जिसके अधीन रहे, ठीक है। भर्ता मतलब जो पत्नी का भरण पोषण करे, और परमेश्वर मतलब कि पति की सेवा करते हुए ईश्वर की प्राप्ति। फिर जो है अब हम तीनों को हम देखें, पति स्वामी भर्ता परमेश्वर, तो चारों में ही हम देखते हैं कि पति को जो है एक ईश्वरीय रूप देने का प्रयास किया गया, मतलब कि वो उसका मालिक है, ठीक है, वो उसका स्वामी है, वो उसका भरण पोषण करने वाला है, और इसी के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, ठीक है। और वहीं पे हम पत्नी को देखते हैं, तो पत्नी को जया बोला गया, पत्नी को लक्ष्मी बोला गया, जया मतलब कि जो उसके पुत्रों को जन्म दे, ठीक है। तो और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि सत्पद ब्राह्मण में जो है पत्नी को अर्धांगिनी भी बताया गया है। कहीं पे हम जब पूजा भी करते हैं तो कहीं पे माना जाता है कि शंकर भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में कहीं है, ठीक है। तो पति पत्नी जो दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, इस सब का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमें मुख्यतः किस पे बात करना चाहिए, हमें अधिकारों पे बात करना चाहिए, ठीक है। और अधिकार की जब भी बात करेंगे तो हम जब भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हर धर्म में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अधिकार सीमित है। महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपने पति का त्याग करके किसी अन्य के साथ चली जाए, ठीक है, और उनसे विवाह बंधन में टूटने का कॉन्सेप्ट नहीं था, मरने और फिर उसका सती का कॉन्सेप्ट आया, पति के साथ ही अपने शरीर का आहुति देके मर जाती थी। फिलहाल इन तमाम कृतियों को दूर किया गया, विवाह विधवा विवाह पुनर्धिनियम भी आया, सती प्रथा को भी रोका गया एक्ट बना के, इन तमाम कोशिशों के साथ भी, इन तमाम तरह के प्रयासों के बाद भी जो है महिलाओं का अधिकार तब भी सीमित रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में पत्नी को क्या अधिकार प्राप्त है। तो एक वशिष्ठ ऋषि है, इन्होंने बताया कि पति को जो है ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो जो है पत्नी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपने विवाह को खंडित कर सके, अगर विवाह को विच्छेद कर दे, अगर किसी तरीके से उसका विवाह अगर हो गया है तो उसको वो पालन करना पड़ेगा। वशिष्ठ बताते हैं कि अगर पुरुष चरित्रहीन है, नपुंसक है, अंधा है, पागल है, धर्म भ्रष्ट है, तो उसके साथ जो है सगाई तोड़ी जा सकती है, ठीक है। मतलब कि वशिष्ठ के अनुसार सगाई तोड़ने का कॉन्सेप्ट है परंतु विवाह तोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर नारद एवं पराशर जो है ये इन्होंने जो है एक मतलब पांच कंडीशन बताया कि जब एक महिला को भी ये अधिकार प्राप्त हो जाए वो होगा जब वो पुरुषों से विवाह को अपने विखंडित कर सकती है। तो नारद और पराशर का ही मानना है, ये इन्होंने जो है पांच कंडीशन बताए कि पांच कंडीशन में जो है कोई भी पुरुष जो है अपने विवाह कोई भी महिला अपने विवाह को जो है विखंडित कर सकती है। वो पांच कंडीशन क्या है, जब पति लापता हो जाए, मतलब जब पति कहीं ऐसी जगह चला जाए पता न चले कहां पे मिले ना, या फिर जब पति की मृत्यु हो जाए, या फिर पति सन्यासी हो जाए, या फिर पति जो है नपुंसक हो जाए, या फिर पति जातिच्युत हो जाए। जातिच्युत हो जाए मतलब जाति बहिष्कार हो जाए। पहले होता था कि जाति बहिष्कार किसी को कर दिया था तो उसे समाज से निकाल दिया जाता था, उसको गांव के दूसरे कहीं जगह जाके रहना पड़ता था। फिलहाल ये अब जो है ये अपराध है, ठीक है, अब ये चीजें भी सब नहीं होती। अगर इस तरीके कोई कार्य करता उसको दंडित किया जाएगा। इन तमाम पहलुओं को अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोगों ने महिलाओं के अधिकारों की बात की, लेकिन अब ये देखा जाए कि क्या वो अधिकार महिलाओं को मिले हुए थे, तो इनकी संख्या 9 के बराबर है, ठीक है। और तमाम ऐसे जो है लोग तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि महिलाएं को जो है एक तरीके से केवल पुरुषों के अधीन रखा गया, ठीक है। कम उम्र में शादी होने के बावजूद भी अगर विधवा हो जाती थी महिला तो उसको पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, वो तमाम जीवन अपना जो है विधवा महिला के रूप में ही व्यतीत करती थी, ठीक है। और इसी में हम देखते हैं कि जो हमारी मनुस्मृति है,
जो विष्णु श्रीमती है इसमें यह बताया गया कि किसी भी महिला का कन्यादान मात्र एक बार होता है, अर्थात कि अगर किसी का विवाह हो गया तो यह विवाह जो है जन्म जन्मांतर तो होगा। ठीक है, मतलब ये स्मृतियां मनुस्मृति और विष्णु स्मृति और ये बताती हैं कि किसी भी महिला को आज कन्यादान मात्र केवल एक बार होगा, मतलब कि किसी भी महिला का विवाह केवल एक बार होगा। ठीक है, तो अब इन पहलुओं को अगर हम देखते हैं तो ये मान लेते हैं कि पुरुषों के अधिकार जो है महिलाओं के अपेक्षा ज्यादा है। अब यहीं पे आपके नारद और पराशर हैं, ये भी बताते हैं कि अगर किसी पुरुष को ये अगर लगता है कि उसकी पत्नी शील भ्रष्ट हो गई है या फिर उसने धर्मत्व का त्याग कर दिया है तो उसको जो है छोड़ने का अधिकार जो है उसको पति को प्राप्त है, वो उसको भरण पोषण देने के लिए दायी नहीं है। तो ये तमाम अधिकार जो है पुरुषों के पास ज्यादा थे। अब जो है धार्मिक परिपेक्ष में ये चीजें थी। अब 1954 में जब हमारे ला का जब कोडिफिकेशन हो गया तो बहुत सी चीजें जो है धार्मिक परिपेक्ष की ऐसी चीजें थी जिन्हें नकार दिया गया। ठीक है, उसमें महिलाओं को भी अधिकार दिया गया, पुरुषों को भी अधिकार दिया गया, परंतु कुछ संस्कार को जो है उसमें हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जब कोडिफिकेशन हो जाता है तब मैरिज पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले जो है सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का नेचर क्या है। ठीक है, क्या हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या हिंदू मैरिज एक्ट को हम संस्कार माने। ठीक है, तो अब इसके लिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 11 जो है सबसे पहले यही कहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बताता है कि कोई भी पुरुष, ठीक है, कोई भी पुरुष या महिला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तभी सक्षम है। पहली कंडीशन ये है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड कौन होगा? जो पागल नहीं होगा, जो जड़ बुद्धि नहीं होगा, जो वैक्स होगा, जो माइनर नहीं होगा, उसको हम साउंड माइंड मानेंगे। तो फिर अब हम जब मैरिज को देखते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट को देखते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो अगर माइनर का भी विवाह होता है तब भी उसको हम वैलिड मानते हैं। हाँ, ये है कुछ प्रावधान है जिसके तहत उसको दंडित किया जाता है। ठीक है, और दुर्विवाह के लिए दंडित किया जाता है। तो अब हम जब मैरिज के जब हम इसके नेचर को पढ़ेंगे तो हमें जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 12 को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये कंडीशन को बताता है किन किन कंडीशन में जो है मैरिज हो सकती है। जैसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है, प्रतिष्ठित नातेदारी ना हो, ठीक है, और वो दोनों वैक्स हो, ठीक है, और ऐसे तमाम कंडीशन है जो सेक्शन 5 में बताए गए हैं जो वैलिड शादी के लिए जरूरी है। तो अब हम जब सेक्शन 5 की देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया सबसे पहले क्या जरूरी है कि वो अनसाउंड माइंड का हो। बस हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई माइनर भी विवाह करता है या कोई जड़ बुद्धि भी विवाह करता है तो उसके विवाह को जो है वैलिड माना गया है। ठीक है, कोई अगर पागल व्यक्ति शादी कर लेता है तो उसके विवाह, या फिर जड़ बुद्धि शादी कर लेता है, उसको सेक्शन 11 या सेक्शन 12 के तहत जो है शून्य शून्यकर्णी विवाह माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई माइनर शादी करता है तो माइनर को शादी करने पे, अगर कोई माइनर शादी करता है, माइनर से शादी कोई कर लेता है तो उसको पनिश किया जाएगा, परंतु उसकी विवाह की जो वैलिडिटी है वो बनी रहेगी। तो हम ये देखते हैं कि और यहीं पे इसी हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 जो है ये हमारे जो संस्कार है उसको मान्यता देता है, मतलब कि जैसे सप्तपति, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है पाणी ग्रहण, कन्यादान, ये तमाम ऐसे संस्कार हैं जिनको जो है सेक्शन 7 के तहत जो है हिंदू मैरिज एक्ट में शामिल किया गया। मतलब कि अगर कोई हिंदू जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर विवाह करता है तो इनको जो है इन संस्कारों को जो है फॉलो करना पड़ेगा, इनको संस्कारों का, इनमें से कोई संस्कारों को या उनके कस्टम ट्रेडिशन के तहत कोई संस्कार चले आ रहे हैं तो संस्कारों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एक चीज और देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो है 8 तरीके, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने, जब भी मतलब हम मैरिज की बात करते हैं तो
हिंदू विवाह व्यवस्था में जो है 8 तरीके के विवाह का वर्णन है। पहला क्या है, ब्रह्मा, अर्श, देव, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैसाच। परंतु जिस समय हमारा एक्ट लागू हुआ उस समय मात्र ब्रह्मा, गंधर्व और असुर ये 3 विवाह का ही प्रचलन था। ब्रह्मा विवाह में क्या होता है, ब्रह्मा विवाह में यह होता है कि कोई भी पुरुष जो है अपनी कन्या का जो है विवाह किसी दूसरे पुरुष के साथ करके उसे उसके साथ एक भेंट स्वरूप कुछ मूल्यवान राशि या फिर जो भी कुछ चीजें हैं उसको भेंट स्वरूप देता था और महिपौर अपनी अपनी बेटी का जो है कन्यादान करता था। ठीक है, तो ये जो है सबसे मान्य व्यवस्था थी। दूसरा क्या है, दूसरा जो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है ये प्रेम विवाह के समान है। इसमें पुरुष और महिला जो है दोनों अपने से तय करते हैं कि हमें अब साथ रहना है, हमें विवाह करना है। हम गंधर्व विवाह में मानते हैं कि इसकी शुरुआत वासना से होती है और ये पूर्ण होता है संभोग पे, मतलब ये एक प्रेम संबंध है और इसकी शुरुआत जो है पुरुष और महिला जो है आपस में मिलकर करते हैं और इसमें किसी अन्य पक्षकार की जरूरत नहीं होती है। फिर थर्ड था आपका असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था कि कोई भी आदमी अगर किसी दूसरे महिला से विवाह करना है तो उस महिला के अविवाहक को जो है उसके पिता को या कोई जो भी उसका अविवाहक को उसको एक निश्चित मात्रा में उसका एक धन जो महिला के मूल्य के समान होता था उसे देके वो महिला से शादी कर लेता था। फिलहाल इसको लोक नीति के खिलाफ माना जाता है। ये कुछ ही जातियों में इसका प्रचलन था और वर्तमान समय में तो लगभग कहीं पे भी नहीं है। किसी समुदाय जो में होंगे जो भी ST SC अगर कहीं कोई समुदाय होगा वहां पे प्रचलन होगा तो वहां पे होगा, नहीं तो फिलहाल ये व्यवस्था इस समय वर्तमान समय में मान्य नहीं है क्योंकि इससे लोक नीति के खिलाफ भी माना जाता है। तो अब हम फिर से जो है अपने नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट विवाह किस पे आते हैं। तो अब हमको अगर हम विवाह को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं विवाह को, तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि पत्नी की भी समान सहमति है, पुरुष की भी समान सहमति है, दोनों समान सहमति देने के लिए सक्षम है। ठीक है, तभी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में जो है सहमति बिना अनुमति के भी विवाह हो सकता है। इस पे एक बहुत ही अच्छा केस है, वेंकटाचार्य वर्सेस रंगाचार्य 1898 मद्रास हाईकोर्ट का। इसमें कहा गया कि हिंदू विवाह में जो है पक्षकारों के अनुमति अनिवार्य नहीं है, अर्थात अगर किसी माइनर जड़ बुद्धि या पागल से भी अगर विवाह कर दिया जाता है, अगर उसके उसके जो विवाह के जो पक्षकार है मतलब कि उनके गार्जियन थ्रू कर दिया जाता है कोई जड़ पागल है, तो उस विवाह को भी हम जो है वैलिड मानेंगे, उसे शून्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर इस केस को देखें तो हिंदू विवाह संस्कार नहीं, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम जब भी नेचर की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू विवाह जो है संविदा के अनुपात में ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य इसमें ज्यादा है, इसमें ये संस्कार ही माना जाए। ठीक है, तो मतलब क्या कहते हैं कि जो संविदात्मक जो मूल्य है हिंदू विवाह नियम में वो कम है धार्मिक परिप्रेक्ष्य के अपेक्षा। ठीक है, तो अब हम जो है हिंदू मैरिज एक्ट को देखें। अब एक और एक्ट है द स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें जो है कोई भी चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम सिख चाहे कोई भी जो है इस एक्ट के थ्रू शादी कर सकता है। इसमें 8 चैप्टर 51 सेक्शन और 5 शेड्यूल है। ठीक है, इसमें हिंदू भी शादी कर सकता है, मुसलमान भी शादी कर सकता है, सभी लोग इसे शादी कर सकते हैं। इसमें शादी करने के लिए जो है फीमेल को जो है 18 ईयर और मेल को जो है 21 ईयर का एज का होना चाहिए और उनको कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उस रजिस्ट्रेशन का पब्लिकेशन होगा, उसके बाद 30 डेज तक देखे जाएंगे, अगर कोई इसमें कोई विरोध अगर कोई उसके खिलाफ कोई विरोध नहीं हुआ तो उसके बाद जो है शादी वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें जैसे आप इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुन रहे होंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज से नहीं बात कर रहे हैं, आजादी के समय से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे अच्छा उदाहरण यह है द स्पेशल मैरिज एक्ट। न तो इसमें किसी की धार्मिक भावना आहत हुई, चाहे न तो किसी धर्म के खिलाफ है ये। एक तरीके से अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे मैरिज को, तो मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट का नेचर रखता है। पर हिंदू मैरिज एक्ट को देखेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो अब जो है
हम ये देखते हैं, हमने भी क्या सीखा, हमने सीखा धार्मिक परिपेक्ष में हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, लीगल परिपेक्ष में हिंदू मैरिज क्या है। तो लीगल परिपेक्ष को पूर्णता समझने के लिए हमें हिंदू मैरिज एक्ट को पूर्णता पढ़ना पड़ेगा। इस एक्ट में 6 चैप्टर और 30 सेक्शंस हैं, इनको जो पढ़ना पड़ेगा। ये सेक्शन इसमें जो है बताया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई हुआ, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 जो है डिफिनेशन क्लास है, और सेक्शन 5 में जो है हिंदू मैरिज के कंडीशन बताए गए हैं, 7 में जो है संस्कारों का वर्णन किया है, और फिर इसी सेक्शन 11 में जो है शून्य विवाह, और सेक्शन 12 में जो है शून्यकरणी विवाह। इन तमाम सेक्शन को पढ़ने के लिए जो है, और इसी में जो है बताया गया है कि तलाक के राइट्स क्या है, मतलब डाइवोर्स के राइट्स क्या है, क्या क्या महिलाओं का अधिकार मिले हुए तलाक को। तो अब जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे जो है हम इस एक्ट को दो भागों में बांटेंगे। एक एक भाग में जो है मैरिज, मैरिज क्या होती है, मैरिज में क्या क्या कंडीशन है उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट में हम डाइवोर्स को पढ़ेंगे, और डाइवोर्स पे पुरुषों को क्या राइट्स है और फीमेल को क्या राइट्स है। तो अगर हम धार्मिक परिपेक्ष में देखें तो डाइवोर्स के राइट्स फीमेल को न के बराबर थे, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में जो है फीमेल्स को राइट दिए गए डाइवोर्स करने के। ठीक है, तो अब जो है हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तो हम हिंदू मैरिज एक्ट के तमाम जो प्रोविजन है उनको विस्तृत से पढ़ेंगे।